हेलो जी नमस्ते प्रणाम गुड इवनिंग कैसे हो सब लोग आशा उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे तो मैंने ना एक जो है हलवा बनाने की रेसिपी देखी थी तो बस रात के आठ बजे मुझे, मुझे जो है हलवा बनाने का बहुत सवार हो गया और हलवे की जो रेसिपी थी ना उसमें लिखा था कि भंडारे के जैसे हलवा हम लोग घर पर कैसे बना सकते हैं तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ उसके लिए मैंने ना इसमें कढ़ाई में जो है तीन चम्मच घी के डाले और उसके बाद ना मैं आधी कटोरी सूजी लूँगी और मैं थोड़ा थोड़ा सा कम बना रही थी क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ ज़्यादा बनी होती है ना वो वेस्ट हो जाती है तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ तो आधे से कम कटोरी मैंने चीनी ली है और आधी कटोरी सूजी ली है अब ये जो चीनी है ना इसको हम क्या करेंगे अभी पहले साइड रखेंगे इसमें ना सूजी डाल देते हैं तो आपको घी इतना उतना डालना है कि ये जो हल ये जो सूजी है ना उसमें अच्छे से भिगी रहे ऐसा नहीं होना चाहिए कि ड्राई ड्राई इतनी कम आपको घी नहीं डालनी है कि सूजी जी ड्राई दिखे बस अब आप इसको हिलाते रहिए इसको ब्राउन होने दो और जो है तब तक इसको हिलाते रहना है अब हम क्या करेंगे कि जो चीनी थी ना उसको गर्म पानी में डाल देंगे यानी कि जितना पानी हमें हलवे में लगना है उतना हम जो है पानी रखेंगे और उसमें ये चीनी डाल देंगे तो ये चीनी उसमें अच्छे से घुल जाएगी और तब तक हमारी सूजी भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगी अब उस रेसिपी में बता रखा था कि जब बाहर मंदिरों में या भंडारे वगैरह में जो हलवा बनता है ना उसकी एक सीक्रेट रेसिपी होती है नॉर्मली जो हम हलवा बनाते हैं ना तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ डालती है जिससे हमारा जो हलवा है वो बहुत सुंदर बन जाता है और आज ना मैं हलवे में ड्राई फ्रूट वग़ैरह कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ क्योंकि मैंने जब खीर बनाई थी तो उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह थे और मेरे बच्चों ने कम खाई थी वो तो इस वजह से जो है मैं उसमें नहीं डालूँगी तो अब आती है यहाँ पर सीक्रेट रेसिपी की बात तो वो है बेसन जी हाँ जैसे हमने आधी कटोरी सूजी 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 डाली थी तो हम हम पर ना एक और आधा चम्मच बेसन बेसन डाल देंगे जब सूजी थोड़ा सा फ्राई हो जाएगी, सूजी फ्राई हो हो जाएगी जाएगी आधी उसके बाद हम डालेंगे स्टार्टिंग में नहीं डालेंगे क्योंकि सूजी को फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और बेसन जल्दी फ्राई हो जाता है अब हम इसको जो है हिलाते रहेंगे पानी भी हमारा गर्म हो गया है और रेसिपी में दिखा रखा था कि बेसन की वजह से जो है हलवा इतना टेस्टी बनता है इतना अच्छा बनता है तो इसलिए मैंने पहले कम ही ट्राई किया तो इस तरीके से ना आपको ये भूनते रहना है कई लोगों को आ, कई लोगों का जो हलवा मैं देखती हूँ कुछ ज़्यादा सफ़ेद होता है कई लोगों को कई लोगों का थोड़ा सा ब्राउन ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से आप इसको फ्राई कर सकते हैं और आज कल भैया बरसात के मौसम में किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आ रही है बहुत ज़्यादा मतलब ये हो रहा है आजकल कि सब कुछ काम बोले कोई और खाना बनाने के लिए ना बोले तो इस वजह से इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है और ऊपर से जब खा खाना बनाओ रोटी बनाओ तो तब तो स्वेटिंग ज़्यादा ही होती है इसके बाद ये पानी हमने इसमें डाल दिया और कुछ इस तरीके से इसको जो है हिलाते रहेंगे पानी भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इससे भी हलवे में फ़र्क पड़ता है और अब हमारा जो घी है बेसन है और सूजी है इनका बहुत ही अच्छा मिक्सचर बन गया पानी इसमें जितना चाहिए आप अंदाजे के हिसाब से डाल सकते हैं और इसके बाद इसमें ढक्कन लगा देंगे बस थोड़ी देर बाद जो है आपको आपका हलवा तैयार मिलेगा और ये देख सकते हैं कि हलवा इतना सुंदर बना है ना जो सूजी का एक एक दाना है वो अलग अलग है और इतना बढ़िया है मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट है बहुत अच्छा है सिर्फ इसमें एक चीज़ की कमी है जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह की तो वो तो मेरे बच्चे खाते ही नहीं हैं तो इस वजह से मैंने नहीं डाला अदरवाइज जब आप इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालेंगे अपनी चॉइस के हिसाब से तो बहुत ही सुंदर जो है ये होगा और टेस्ट इसका सच में बहुत बढ़िया हो रहा था तो ये जो रेसिपी मैंने देखी ये सच में वर्क की है और मैं हमेशा आगे से ऐसे ही ट्राई करूंगी तो बहुत ही सुंदर हलवा बना था अगली बार मैं थोड़ा सा ज़्यादा ट्राई करूँगी तो आप लोगों को ये ट्रिक कैसी लगी और ये बेसन वाली जो ट्रिक थी ना क्या आप लोगों को पता थी अगर पता थी तो बताना और नहीं भी पता थी तो भी बताना कॉमेंट सेक्शन में बस अब इस हलवे को साइड में रखते हैं और अभी जो है मेरा पूरा का पूरा डिनर बनने के लिए बचा है क्योंकि मैंने पहले ये रेसिपी देखी थी तो मैंने सोचा था कि पहले मैं हलवा ही बना लेती हूँ चलिए बाय बाय टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक करें